तिवारी, मैं इस वीडियो में मतलब इस बोर्ड सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन कौन सा प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सारा प्रॉब्लम आप एग्जामिनेशन में बहुत आराम से बना पाए। जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तीन शुरुआत का जो दो एक्सरसाइज है वो आपका इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, जिससे बहुत कम चांसेस है प्रॉब्लम आने का। मेन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जो भी प्रॉब्लम आता है वो आपका प्रॉपर्टी पे आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपको अच्छे से करना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रॉब्लम को आपको बनाना चाहिए जिससे रिविजन अच्छे से हो जाए, प्रॉपर तरीके से रिविजन हो जाए। इसका वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। यहां पे स्टूडेंट को सबसे पहले ये कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा प्रॉपर्टी कहां पे लगा है, ये कंफ्यूजन होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 मिनट में मैं आपको ये बता पाऊं कि कौन से प्रॉपर्टी को कहां पे अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन है आपके पास 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पे हम लिखे हैं 0 से a एफ ऑफ a माइनस x, मतलब इस x को रिप्लेस कर दिए हैं a माइनस x से। तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस x से। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम में लगता है, ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम में इस प्रॉपर्टी का यूज आता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आप इसी प्रॉपर्टी पे आगे बढ़िएगा हमेशा, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो। नेक्स्ट आपके पास a से b है, तो ये a से b इंटरवल है, लिमिट है यहां पे a से b, तो इसको हम ब्रेक कर दिए हैं a से c1 फिर c1 से b। यहां पे हम a और b को c1 के टर्म्स में ब्रेक किए, तो c1 के टर्म्स में अगर हम ब्रेक किए तो ये c1 जो है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करेंगे जब एक फंक्शन को दो अलग अलग इंटरवल में ब्रेक किया जाता है, या फिर जब मॉडुलस का प्रॉब्लम रहेगा तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम रहेगा तो भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। याद रखिएगा जब कभी भी मॉडुलस का प्रॉब्लम आ जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नेक्स्ट यहां पर माइनस ए से ए है, यहां पे लोअर लिमिट आप देख सकते हैं माइनस ए और अपर लिमिट देख सकते हैं प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहे, केवल फर्क रहे प्लस और माइनस का, तो आप समझ लीजिएगा कि इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। यहां पे ये 0 के बराबर होगा कब, जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन होता। अब सवाल होता है कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे पहचानेंगे। ये आपका ट्वाइस 0 से a, मतलब ये माइनस ए 0 में चेंज किया जाएगा, एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा कब, जब आपका एफ एक्स जो होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है कि सर हम ऑड और इवन का पहचान कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, इवन फंक्शन के केस में एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होता है। तो आप जब भी ऑड और इवन चेक करना हो तो x के प्लेस पे माइनस x रखें, जैसे ही आप माइनस x रखेंगे अगर फंक्शन के बाहर माइनस आ जाता है तो वो ऑड, और अगर फंक्शन माइनस के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है फंक्शन को तो वो इवन फंक्शन होता है। तो आप चेक करके बढ़ सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका इंटीग्रेशन 0 से 2a। यहां पर गौर कीजिए 0 से 2a है, तो यहां पर हम सबसे पहले एक्स को रिप्लेस करते हैं 2a माइनस एक्स से। तो अगर हम x को रिप्लेस किए 2a माइनस x से और अगर बाहर में माइनस आ जाता है फंक्शन के तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 होगा, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये 0 से a में बदल जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कब यूज करेंगे, जब कभी भी आपको अपर लिमिट को हाफ करना हो। अगर मानिए ऐसा कहीं कोई स्टेप में रिक्वायरमेंट है कि अपर लिमिट को हाफ करना है तो आप इस प्रॉपर्टी के लिए अप्रोच करेंगे। ये प्रॉपर्टी जनरली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है फंक्शन में तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। फिर आप देख सकते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट के जैसा ही है। ये a से b x f x dx है, तो यहां पे हम x को रिप्लेस कर दिए a प्लस b माइनस x dx से, उसका इंटीग्रेट करेंगे। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में,
लेकिन आपको मेनली इसी पांच प्रॉपर्टी पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इस पांच प्रॉपर्टी पे आप क्वेश्चन अच्छे से बनाए, अच्छे से देखें। इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं आता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम जरूर देखना चाहिए। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल मैंने 20 प्रॉब्लम दिया, 20 प्रॉब्लम। ये 20 प्रॉब्लम अगर आप देख लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। ये 20 प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपका पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। ये 20 प्रॉब्लम से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आप इसको अच्छे से बना के चले जाते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम मॉड से रिलेटेड है और मॉड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब मॉड के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से देखें क्योंकि जनरली देखा क्या गया है कि मॉड के प्रॉब्लम से ही पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को तो अच्छे से देखें, आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अच्छे से देख लिए तो क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। एक चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि अगर इंटीग्रेशन में एक्स किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर, अगर किसी फंक्शन में एक्स से एक्स मल्टीप्लाइड है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद उससे आप एक्स को इलिमिनेट करेंगे। एक्स आपका जैसे ही इलिमिनेट होगा आप देखिएगा कि जो फंक्शन होगा वो बहुत आसानी से इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसके आप उसको इंटीग्रेट करके आगे बढ़ाइएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी एक्स है और उसमें भी सेम कंसेप्ट पे जाएगा प्रॉब्लम। फिर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं। 14 0 से पाई log 1 प्लस cos x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिएगा क्या कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक चैप्टर है जो कि दूसरा चैप्टर दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लिमिट एज ए सम। लिमिट एज ए सम में बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के, लेकिन मैंने लिमिट एज ए सम से केवल 4 प्रॉब्लम दिया। ये 4 प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखिए। इस 20 प्रॉब्लम में डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो प्रॉब्लम है ही है और साथ में लिमिट एज ए सम का भी प्रॉब्लम मैंने रखा है। लिमिट एज ए सम का प्रॉब्लम आपको 16, 17 और 18 में मिलेगा। ये प्रॉब्लम आप जरूर देखें, ज्यादा चांस रहता है। और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आप एक्स जिससे मल्टीप्लाई है वो प्रॉब्लम को जरूर देखें, मॉड वाले प्रॉब्लम को देखें जिसमें मॉड इन्वॉल्व है वो प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से बनाए। और एक टाइप का प्रॉब्लम है आपका जैसे 0 से पाई बाई 2 dx डिवाइड बाई 1 प्लस रूट अंडर टेन एक्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर देखें। और ये 20 प्रॉब्लम को आप अच्छे से बना लें, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड में पकड़ा जाएगा और सारा क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाएंगे। तो ये पेज मैं अपने एवी पेज पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, आप वहां से जाके इस पेज को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे प्रॉब्लम को आप अच्छे से बनाएं। ये सारा प्रॉब्लम आरडी शर्मा एनसीईआरटी सैंपल पेपर और प्रीवियस पेपर को देखते हुए मैंने तैयार किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिटेड है तो इस वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊं। Thank you very much.